गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ए लाइट चैप्टर है और एक क्लास टेंथ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि आप सर टेंथ का भी वीडियो डालो, क्योंकि बहुत सारे को क्या है, ये जो चैप्टर है लाइट, ये डिफरेंट है अदर चैप्टर के कंपेयर में, तो ये बहुत समझ में नहीं आता है बच्चों को, ट्वेल्थ वाले को भी समझ में ज़्यादा नहीं आता। तो उन्होंने कहा सर इसका वीडियो बनाओ, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ लाइट वाले चैप्टर पे। आपको मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट है क्या, हर एक का जो वर्ड मैंने लिखा है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। तो अपना चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट है क्या, पहले तो अपन ये समझे, लाइट एक एनर्जी का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट से हमें एनर्जी मिलता है, लाइट के हेल्प से अपन हर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लाइट के हेल्प से ही अपन चारों तरफ देख सकते हैं, लाइट के हेल्प से। अगर लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, तो हमारा लाइफ नहीं है, हम जी नहीं सकते, क्योंकि जो पेड़ पौधा हो, जो अनाज हमें मिलता है, धान गेहूं मक्का, वो पेड़ पौधे हैं, है ना, उनको सेल्फ फूड बनाने के लिए, सेल्फ का खाना बनाने के लिए उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर सनलाइट ना हो तो आपन जी नहीं सकते, अपना लाइफ नहीं चल सकता। तो लाइट हमें बहुत नेसेसरी है। आज लाइट के हेल्प पे सोलर प्लेट वर्क कर रहा है ना, लाइट के हेल्प से। सोलर प्लेट करता क्या है, वो लाइट के एनर्जी को ऑब्जर्व करने का, एंड देन उसके हेल्प से अपन क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, और बैटरी के हेल्प से अपन कुछ भी करते हैं, इन्वर्टर चार्ज करते हैं, फैन चलाते हैं, कुकिंग का भी सिस्टम है, बल्ब जलाते हैं अपन। तो ये लाइट के हेल्प हैं, लाइट के फायदे हैं। तो देखो, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट हमें देता है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट करता है। तो फर्स्ट पहला पॉइंट है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का रूप है। लाइट हमारे लिए इसलिए नीड है क्योंकि हम चारों तरफ हर ऑब्जेक्ट को देख सकें। अब देखो, दो टाइप्स का हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये हमने इसलिए लिखा है कि आप एक अच्छा नोट्स बना लेना, कि आपको रिवीजन करने के लिए बार बार YouTube पे ना आना पड़ा, आप अपना कॉपी पलटें, रिवीजन कर ले, उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, जिससे आपका कंसेप्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने दो टाइप से लिखा, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना सेल्फ लाइट क्या करता है, इमिट करता है, माने सेल्फ का। तो द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, अपना लाइट क्या करता है, इमिट करता है। जैसे सन है, सन खुद लाइट अपना देता है, जैसे लाइट है, कैंडल है, ये सब क्या है, जो ट्यूब बल्ब है, ये सब अपना खुद लाइट देते हैं सराउंडिंग को, जिसके हेल्प से हम देखते हैं। अगर बल्ब नाइट में ना जले तो रूम में दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, कछु दिखाई नहीं देगा। अगर बल्ब देखो नाइट में अगर लाइन चली जाती है, इन्वर्टर ना हो, तो कुछ दिखाई देगा अपने को ना, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, है ना। तो जो लाइट बल्ब है, जो बल्ब हैं, ट्यूब बल्ब हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक टाइप का लाइट ही तो है, सोर्स है लाइट का। अगर वो ना हो बल्ब, तो लाइट हमें मिलेगा नाइट में ना, तो दिखेगा ही नहीं कुछ,
तो इसे लाइट क्या है, ये जो ट्यूब लाइट है क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपना लाइट इमिट करता है सराउंडिंग में, जिसे हमें दिखता है नाइट में। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट इमिट नहीं करता कहां, सराउंडिंग में। जैसे बुक हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, बोर्ड हो गया, इसके पास अपना लाइट नहीं है तो हमें दिखा कैसे। जैसे ही बल्ब है, बल्ब का लाइट इस सरफेस पे आया, बल्ब का लाइट इस सरफेस पे आया और लाइट क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्रैक्ट हुआ तो हमारे आंखों के पास आया। जब यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होगा तो हमारे आंखों के पास आएगा, तभी तो हमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये तभी दिखेगा जब लाइट इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा। लाइट आएगा इस सरफेस पे, टकराएगा, बैक होगा, लाइट बैक होगा, रिफ्रैक्ट होगा, तभी ये चीजें हमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अगर लाइट आया, ए ऑब्जर्व कर लिया, रिफ्रैक्ट नहीं किया तो हमें नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तय है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है टेबल, बुक, चेयर, फैन, बोर्ड। इसका एग्जांपल क्या है, सन, कैंडल, ट्यूबवेल, है ना, ये सब है। तो ये आप ढंग से चिपका लें। दूसरा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट होता क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ें। इसको मैं इरेज कर लूं। अब देखो क्या नेचर ऑफ लाइट क्या है। जो लाइट है थ्री फोर्स में पाए जाते हैं, एक दो रे के फॉर्म में, एक वेव के फॉर्म में और थर्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में। रे का मतलब हुआ ऐसे, स्ट्रेट राइट आएगा, स्ट्रेट ऐसे। वेव का मतलब है ऐसे पाथ होना चाहिए। पार्टिकल्स का मतलब होता है ऐसे। इस पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं वो देखो, इस पार्टिकल्स को अपन कहते हैं फोटॉन्स। इस पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, फोटॉन्स। ये जो भी पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स के पास क्या होता है, एनर्जी है, खुद का एनर्जी, एनर्जी है। अपन बाद में पढ़ेंगे एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच म्यू। ए है फोटॉन्स का एनर्जी, ई का मतलब होता है एनर्जी, एस का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, सी इज स्पीड ऑफ द लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो थ्री फोर्स में पाए जाते हैं हमारे लाइट पार्टिकल, लाइट एक तो रे के फॉर्म में, दूसरा वेव के फॉर्म में और थर्ड इज पार्टिकल। एक वर्ड है जो लिखा गया है बीम ऑफ लाइट, इनको इरेज करता हूं और बताता हूं बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है, ये चिपका लेना। बीम ऑफ लाइट इसका मतलब ए हुआ कॉम्बिनेशन, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो, रे हो। ए लाइन जो है रे जो है लाइट का, एक क्या हो, एक ग्रुप में हो,
ये जो रे है एक ग्रुप में है, आपस में सब क्या है, पैरेलल है। द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन, जहां कलेक्ट हो क्या, बहुत ज्यादा रे ऑफ लाइट। ये जो रे है क्या है, एक से ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। ले जब इस सब रे को हमने करेक्ट कर लिया तो उसको अपन क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, तो चिपका लो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद अपना टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद अपन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को चिपका लो, है ना, इसका नोट्स बना लेना। थैंक यू।